The battle for Rajasthan has intensified with just a month left for the polls. BJP has announced its second list of candidates with 83 names. Former CM Vasundhara Raje has been fielded from Jalrapatan seat, while the other prominent names include Satish Punia, Rajendra Rathod and Jyoti Mirda. Earlier, BJP had announced 41 names, and soon after BJP's announcement, the Congress has also released its first list of candidates with 33 names. Remember, the delay in announcement had led to speculations over a possible rift over ticket distribution, and these have been put to rest now, with both Ashok Gehlot and Sachin Pilot being named in the first list. While Gehlot is set to contest from Sardarpura constituency, Sachin Pilot will contest from Tonk. Rajasthan is set to go to polls on November 23rd. This is the high-octane battle in Rajasthan, and finally we are now seeing top names being fielded in the elections with the list of candidates coming out from the Congress and the BJP. The BJP has announced its second list, and my colleague Pushpendra joins us to get us more information on this. Pushpendra, dono BJP aur Congress ne finally apna list announce kiya hai aur bade bade naam bhi isme shamil hai, to क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से बड़े बड़े नाम कौन से हैं और की बैटल्स कौन से हैं जिसके लिए अ लॉट ऑफ बज इज आल्सो देयर इन राजस्थान? देखिए, अगर हम बड़े नामों की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अशोक गहलोत के नाम की बात करें, कहा जा रहा था कि वो सीट बदलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनको सरदारपुरा जोधपुर से फिर से एक बार टिकट मिल गया है। उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा का भी सीट बदलने का नाम आ रहा था लेकिन वो फिलहाल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है, जहां बीजेपी के सुभाष महरिया टक्कर में है, जो पूर्व सांसद और मंत्री भी रहे हैं, और कांग्रेस में भी वो गए थे। कांग्रेस से उन्होंने इस बार वापस बीजेपी ज्वाइन किया था और अब एक कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा और बड़े नामों की बात करें तो सचिन पायलट, जब टॉप से ही वापस उनको टिकट दिया गया है। अगर वसुंधरा राजे की हम बात करें बीजेपी में, तो झालला पाटन से उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। सतीश पूनिया, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी थे और अभी उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हीं की सीट आमेर से टिकट दिया गया है। पुष्पेंद्र सिंह, जो बाली से टिकट लेकर पहले मंत्री रहे वसुंधरा सरकार में, एक बार फिर से उनको बाली से ही चुनाव उतारा गया है। किसी माहेश्वरी को राजसभा से चुनाव उतारा गया, जो किरण माहेश्वरी की बेटी है, जो मंत्री रही थी किरण माहेश्वरी, उनकी बेटी है। और हम बात करें, देखिए बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे की मैंने बात करी, सतीश पूनिया की मैंने बात करी, उसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन तमाम सीटों पर वसुंधरा राजे के अधिकतर समर्थकों को टिकट इस बार दिया गया है। इसमें कई ऐसे नेता शामिल हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, चाहे कालीचरण सराफ हो जो कि मालवीय नगर से हैं, वहां से उनको टिकट दे दिया। कांग्रेस ने उनके टक्कर में अर्चना शर्मा को उतारा है, जो कि पहले हार भी चुकी हैं। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको मैदान में उतारा गया है, लेकिन खास बात यह कि बीजेपी ने अब तक पहली और दूसरी लिस्ट की बात करें तो अब तक 10 महिलाओं को टिकट दिया है। जो बड़े चेहरे हैं, शोभा चौहान को सोजत से उन्होंने टिकट दिया है, सुनीता भीचर को मकराना से टिकट दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें दीप्ति माहेश्वरी की पुरासमन से उनको टिकट मिला है, उत्तर राज्य को झालरा पाटन से टिकट दिया गया है, और ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस के अभी बीजेपी में शामिल हुई थी उनको भी टिकट दे दिया गया है। जी जी पुष्पेंद्रा, बहुत बड़े बड़े नामों को टिकट दिया गया है जैसे कि आप बता रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस सेट्स द टोन फॉर द असेंबली इलेक्शंस व्हिच इज नॉट वेरी फार अवे नाउ, बट आवर फोकस कंटिन्यूज टू बी ऑन द असेंबली इलेक्शंस एंड ऑल द स्टोरीज दैट आर डेवलपिंग अराउंड इट, एंड द बिग फोकस राइट नाउ आर द फिशर्स